बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के इस सीरीज में हम आपको के मुनेगौड़ा, एमपी जयराज और कोतवाल रामचंद्र की कहानी सुना चुके हैं। उम्मीद है आप ये सभी वीडियोज देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देर किस बात की है, जल्दी से देख लीजिए। हमारी आज की कहानी है ऑयल कुमार की। नाम थोड़ा अजीब है ना, लेकिन क्या करें, इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग जो काम करते हैं उसी नाम से उसे पहचान मिल जाती है। ऑयल कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के इस फैसिनेटिंग दुनिया में आपका स्वागत है और चलिए आज एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। ऑयल कुमार का जन्म साल 1950 के आसपास अक्की पेट में हुआ था। उसके बचपन का नाम था शिव कुमार। उसके पिताजी एक जूते का दुकान चलाते थे जिससे उसके परिवार का खर्चा चल रहा था। शिव कुमार पांच भाई था जिसमें वह दूसरे नंबर का था। जब पिताजी बीमार हुए तो दुकान की जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर आ गई। इस समय तक शिव कुमार को बिजनेस और अपने करियर से कोई मतलब नहीं था। वह दिन भर बेंगलोर शहर में अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहता था। उसे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और उसका दिमाग हमेशा उल्टे सीधे कामों में लगा रहता था। वह स्कूल की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ चुका था, लेकिन समय ने करवट बदली और साल 1975 में उसके बड़े भाई का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब परिवार की जिम्मेदारी शिव कुमार के ऊपर आ चुकी थी। कोई और रास्ता था नहीं, इसीलिए वह अपने पुश्तैनी जूते के दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। जूते की दुकान पर बैठते ही वह सबसे पहले अपने दुकान का नाम बदलकर अमेरिकन बूट हाउस रखा। यह नाम उस समय बेंगलोर शहर में शूट भी कर रहा था। जिन दोस्तों के साथ वह मटर गश्ती कर रहा था वही दोस्त उसे अब बूट हाउस कुमार कहकर चिढ़ाने लगा, इसलिए उसका एक और नाम अब बूट हाउस कुमार हो चुका था। शिव कुमार उर्फ बूट हाउस कुमार की जिंदगी जूते की दुकान तक ही सीमित रह जाती अगर उसके लाइफ में उसका एक दोस्त नहीं आता। उस दोस्त का नाम था संपत। ये दोनों बेंगलोर शहर में साथ में आवारागर्दी करता था, लेकिन संपत कुछ काम करके रुपये भी बना रहा था और अपने दोस्तों के बीच रईसी वाली जिंदगी जी रहा था। उसका काम था तेल की चोरी करना, मुख्य रूप से डीजल की चोरी। संपत के काम करने का तरीका यह था कि जैसे ही डीजल का ट्रक डिपो से बाहर निकलता वैसे ही संपत के लोग उसे खबर कर देते थे। फिर बीच में कहीं सुनसान जगह देखकर संपत उस ट्रक ड्राइवर को चाकू के नोक पर रखता था और फिर कुछ गैलन डीजल उसमें से निकाल लेता। लेकिन समय के साथ संपत को यह बात समझ आ गई कि यह काम बिना डरा धमका कर भी किया जा सकता है, इसीलिए अब वह ट्रक ड्राइवर्स को रुपये खिलाना शुरू कर दिया और मनचाहा तेल गाड़ी से निकालने लगा। संपत्ति की कमाई अब लाखों में पहुंच चुकी थी। वह दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था। संपत्ति अब इतना पैसा बना चुका था कि उसे विदेश घूमने का भी शौक हो गया, इसलिए अब वह छुट्टी मनाने के लिए देश से बाहर चला गया। जाने से पहले वह अपने काम की जिम्मेदारी अपने दोस्त शिव कुमार उर्फ बूट हाउस कुमार को दे दिया। शिव कुमार जैसे ही इस धंधे में आया मानो उसका हौसला सातवें आसमान पर चला गया हो। शुरू के कुछ दिन तो वह संपत के निर्देशों पर काम करता रहा, इसके बाद वह अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इससे संपत के जो भरोसे के लोग थे वे खफा हो गए, जिसके बाद सबको शिव कुमार ने डरा धमका कर अपने अंडर में काम करने को मजबूर कर दिया। अब शिव कुमार एक अलग ही लेवल पर खेलने लगा था। अब वह तेल की ब्लैक मार्केटिंग में एक कदम और आगे जाना चाहता था। इसके लिए उस समय बेंगलोर में लगे हुए इंडस्ट्री के लिए फर्नेस ऑयल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती थी। ऑयल डिपो से जो ट्रक इंडस्ट्री के लिए फर्नेस ऑयल भरकर निकलती थी वह वहां पर डिलीवरी करते समय आधी से भी कम रह जाती थी। बाकी के फर्नेस ऑयल शिव कुमार के अड्डे पर बेंगलोर शहर के बाहर अनलोड कर दिया जाता था। इस तरह से शिव कुमार ने देखते ही देखते शहर में इंडस्ट्री के लिए फर्नेस ऑयल की भारी किल्लत मचा दी। उस तरफ इंडस्ट्री का सिस्टम ऐसा था कि बिना फर्नेस ऑयल के वह ऑपरेट हो ही नहीं सकती थी। अब कंपनियां फर्नेस ऑयल को ब्लैक में शिव कुमार से खरीदने को मजबूर हो गई। यहीं से शिव कुमार का बोलबाला अब बेंगलोर अंडरवर्ल्ड में भी दिखने लगा था। इस समय इस शहर पर एमपी जयराज का राज चल रहा था, लेकिन कोतवाल रामचंद्र इस शहर पर राज करने को बेताब हो रहे थे। उधर शिव कुमार जो काम कर रहा था उसमें उसे कुछ ऐसे लोग भी चाहिए थे जो उसे बाहुबल दे सके, और इस काम में उस समय कोतवाल रामचंद्र से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। शिव कुमार का किस्मत यहाँ पर चमका और एमपी जयराज को जेल हो गई।
बेंगलोर अंडरवर्ल्ड का मैदान अब खाली हो चुका था, जिसे भरने का काम किया शिव कुमार और कोतवाल रामचंद्र ने। देखते ही देखते शिव कुमार और कोतवाल रामचंद्र की जोड़ी ने इस शहर पर एक तरफा राज करना शुरू कर दिया। सारे शहर की पुलिस फोर्स उन दोनों की जेब में थी। शिव कुमार रुपयों के पावर पर इस शहर में जिंदा था और कोतवाल बाहुबल के दम पर। ऑयल की स्मगलिंग में शिव कुमार इतना आगे आ चुका था कि अब वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ऑयल कुमार के नाम से ही जाना जाने लगा। इस शहर का अब कोई भी इल्लीगल काम ऐसा नहीं था जो बिना ऑयल कुमार के परमिशन से होती हो। जब ऑयल कुमार अपने पूरे शबाब पर था, उसी समय संपत लौट आया। वह जब बेंगलोर शहर का मंजर देखा तो यह पूरी तरह से 360 डिग्री घूम चुका था। संपत को लगा कि कुछ और नहीं तो उसका दोस्त शिव कुमार तो है ही, वह बिजनेस में हिस्सेदारी मांगने लगा, जिसके बाद उसने संपत को लात मारकर भगा दिया। इस धंधे का मास्टरमाइंड संपत अपना वजूद खो चुका था और उधर शिव कुमार इस शहर का नया डॉन ऑयल कुमार बन चुका था। लेकिन संपत भी पुराना खिलाड़ी था, वह भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। भले ही शिव कुमार अब डॉन बनके ऑयल कुमार बन चुका था, लेकिन शहर में और भी तो रॉडी था जो फ्रंट फुट पर खेलने की चाह रखता था। यह बात जब ऑयल कुमार को पता चला तो उसने एक मीटिंग बुलवाई। उस मीटिंग में शहर के जितने भी रॉडी थे सबको साथ में रखा गया और उस काम को शेयर किया गया। संपत को भी उसमें हिस्सेदारी मिली। एक बार फिर से संपत और ऑयल कुमार साथ में आ चुका था। इसके बाद आगे चलकर ऑयल कुमार फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना हाथ आजमाया और यह काम भी उसने संपत के साथ ही शुरू किया। उसे फिल्मों का इतना क्रेज हो चुका था कि वह आगे चलकर रीता नाम की एक एक्ट्रेस से शादी कर लिया। यह शादी इतना धूमधाम से किया गया था कि उस समय कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग उसमें पहुंचे थे। शिव कुमार उर्फ ऑयल कुमार के बारे में एक किस्सा यह भी है कि उसकी वाइफ रीता, जो एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, एक फिल्म में उसका एक न्यूड सीन था। यह सीन ऑयल कुमार को इतना खराब लगा कि वह उस फिल्म के सभी प्रिंट खरीद कर उसे जला दिया। इसके बाद के दिनों में जब MP जयराज जेल से छूटकर आया तो उसने रामचंद्र कोतवाल का मर्डर करवा दिया, जिसके बाद ऑयल कुमार अकेला पड़ गया। और जब बेंगलोर में अंडरवर्ल्ड के समीकरण बहुत तेजी से बदलने लगे, इसके बाद जाकर वह इससे दूर हो गया। हमने आपको कोतवाल रामचंद्र की कहानी को अच्छे से सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कोतवाल रामचंद्र के मर्डर के बाद ऑयल कुमार की एक्टिविटी लगभग खत्म ही हो गई थी। फिर बेंगलोर में जब दूसरे डॉन्स का बोलबाला शुरू हुआ तो उसके बाद फिर कभी ऑयल कुमार का नाम सामने ही नहीं आया। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि एक समय में शहर पर राज करने वाला ऑयल कुमार अब खुद को गुमनाम बना चुका था। तो यही थी पूरी कहानी बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के डॉन ऑयल कुमार की। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।